आपकी तो ये स्टार्टअप सिटी है, बैंगलोर इज अ स्टार्टअप सिटी, किस किस प्रकार के लोग स्टार्टअप करते हैं, जब पढ़ते हैं तब ताज्जुब रह जाते कि इस प्रकार के विचार लोगों को आते। अभी आपने न्यूज में आज ही पढ़ा होगा कि गूगल के एक एक्स एम्प्लॉय थे, उसने एक $1 बिलियन का स्टार्टअप किया। मुंबई में एक लड़के ने, ही इज स्टडिंग इज सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग, बी कंप्यूटर कर रहा है, उसने एक स्टार्टअप चालू किया। एक स्टार्टअप किया मतलब उसमें यही बात थी कि कोई भी माता को चिंता रहती है, छोटा बच्चा जब स्कूल में जाता है तो बस में चढ़ गया होगा, बस से उतर गया, उसका कुछ लगा नहीं होगा, स्कूल में पहुंच गया होगा, क्लास में बैठा है कि नहीं। तो उसने एक अच्छा सॉफ्टवेयर और सेंसर्स बनाए कि जब स्कूल बस में बच्चा चढ़ता है तो उसके बच्चे को स्कूल बस के तीसरे स्टेयर पे जब ऊपर आ जाए तब वहां सेंसर है, उसको सिर्फ छूना है। वो बच्चा छुए, वहां टच करेगा तो उसकी मदर को मोबाइल पे मैसेज मिलेगा कि ही इज इनसाइड द स्कूल बस। फिंगरप्रिंट और मोबाइल नंबर मैच कर दिया, बच्चे का फिंगरप्रिंट और उसकी मदर की मोबाइल नंबर। फिर वो बच्चा स्कूल बस से नीचे उतरेगा तो उतरते वक्त नीचे वाला जो सेंसर है उसको टच करना है, ये बस के कंडक्टर को ध्यान रखना है, स्कूल बस है कंडक्टर फिक्स है, तो वो सब बच्चों को वहां टच करा के ही नीचे भेजता है। तो नीचे उतरता है, टच करता है, वो मदर को मैसेज मिलता है आधे घंटे के बाद कि ही इज अलाइटेड फ्रॉम द बस। क्लास में जाएगा तो सेंसर को टच करके जाएगा, फिंगरप्रिंट वही रहेगी, तो मदर को मैसेज बोलेगा कि योर सन हैज एंटर्ड द क्लासरूम। क्लास में बैठा है और टीचर ने कोई प्रश्न पूछा और जो भी बच्चे 50 बैठे 60 बैठे, जो भी बच्चे ने हाथ ऊंचा किया वो सेंसर की उसकी फिंगरप्रिंट जो है वो कट होगी। सेंसर चालू रहते हैं वही हाइट पे, कोई भी बच्चा हाथ ऊंचा करता है तो कट, उसकी माता को पता चलता है दो घंटे के बाद कि क्लास में कोई प्रश्न पूछा टीचर ने और मेरे बच्चे ने हाथ ऊंचा किया है। फिर वो खड़ा होकर कुछ आंसर देगा तभी मैसेज मिलता है कि नाउ ही इज टॉकिंग। वो खड़ा है क्लास में और कुछ बोल रहा है अपने टीचर के सामने। दैट मीन्स एवरी हाफ एन आवर हिज मदर गेट्स अ मैसेज ऑन द मोबाइल व्हाट इज हर चाइल्ड डूइंग। विचार है कि भाई मदर को हर आधे घंटे, बच्चा जब छोटा है देन हर चाइल्ड इज स्मॉल, एवरी हाफ एन आवर 45 मिनट्स मदर को एक विचार था, क्या करता होगा, कहां बैठा होगा, क्लास में बैठा है कि नहीं, रोता होगा, खाता होगा, क्या करता होगा। ड्यूरिंग द रिसेस टाइम व्हेन दे मूव आउट ऑफ द क्लास, वहां इतना बड़ा सेंसर है तो लंच बॉक्स, वो येलो लाइन है, वहां खड़े रह के लंच बॉक्स खोलना है फिर आगे जाना है। लंच बॉक्स फिर से आप बंद कर दो आगे चलो तो चलेगा, एक बार तो वो येलो लाइन पे खड़ा रह के, क्लास के बाहर ही येलो लाइन होती है, वहां खड़ा होके एक बार तो वो लंच बॉक्स खोलना है ताकि मदर को वहां से मैसेज मिले ही हैज ओपनड हिज लंच बॉक्स इन द रिसेस। और सुबह की प्रक्रिया शाम को चालू रहती है, स्कूल बस में बैठता है, क्लास से बाहर निकल के बैठता है, घर आता है तब पता चलता है। ये स्टार्टअप चालू किया मुंबई की कहीं स्कूल्स ने, ये सॉफ्टवेयर खरीदा। एंड दिस बॉय वाज स्टडिंग इन सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग, ही सोल्ड दैट टू एन MNC फॉर, नाउ गिव मी द फिगर, $550 मिलियन। ये व्यक्ति के पास एक सोच थी, एक स्टार्टअप चालू किया, जो MNC ने ये सॉफ्टवेयर खरीदा, ये सिस्टम खरीदी, वो MNC के पास तो दुनिया के 150 देशों में नेटवर्क था, ये 150 देशों में नेटवर्क के लड़के के पास तो नहीं हो सकता, आप समझ सकते हैं, उसके पास विचार था। तो ये हुआ। तो ऐसे जितने समुद्र में पानी के बूंद है, हवा में जितने ऑक्सीजन के एटम है, उतने विचार मनुष्य के दिमाग में है, पकड़ने चाहिए। एंड दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एटीट्यूड। ये लड़के ने यही सोचा कि माता तो चिंतित हर आधे घंटे रहती है, उसके लिए मैं क्या करूं, शी गेट्स एवरी हाफ एन आवर अ मैसेज अबाउट हर चाइल्ड। सिंपल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। इफ यू हैव द एटीट्यूड यू कैन, वॉट एवर यू सी, वॉट एवर यू हियर, वॉट एवर यू थिंक, you can transform and give a big shape and a big size to that thought. Facebook aise hi chalu hua tha, WhatsApp aise hi chalu hua tha, apne group ke liye, apne friends ke liye, ek chote se group ke liye chalu kiya tha Zuckerberg ne Facebook, aur wahan se ab kitna bada ho gaya. Kehne ki baat ye hai ki attitude makes the difference, how you look at it, how you...